हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका डॉक्टर मिस्टर विष्णु हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राज प्रोडक्शन में, जिसमें आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2 मार्क्स या 3 मार्क्स रियल नंबर में। रियल नंबर में हमने अब तक किया था एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन लेमा और फिर रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड सेल एलसीएम एंड फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। ओके, अब हम करने जा रहे हैं हमारा रियल नंबर का आज का लास्ट टॉपिक। इसके बाद हम आपको देंगे असाइनमेंट और फिर टेस्ट नंबर। सेकंड बात यह है कि जो विजिटर्स न्यू स्टूडेंट्स हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपके पास न्यू अपडेट आपको जल्द ही मिल जाए। और इम्पोर्टेंट बात यह है बेटा कि ये जो आज का टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके एनुअल एग्जाम में 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 2 मार्क्स का कैसे आएगा वो भी बताएंगे और 3 मार्क्स का कैसे आएगा वो भी हम बताएंगे। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा कस्टम तो एक्सरसाइज। जो आपके पास एनसीईआरटी है चाहे आपके पास किसी और बुक की एक्सरसाइज है ये क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपके पास हम प्रूव करने जा रहे हैं √5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल प्रूव करने जा रहे हैं और ये प्रूव कैसे होगा कंट्राडिक्शन से। कंट्राडिक्शन मीन्स इसको हम रैशनल लेके चलेंगे और लास्ट में ऐसी सिचुएशन पे आ जाएंगे कि ये नंबर रैशनल नहीं है, फिर हमारे पास सिर्फ एक ही चारा रहेगा कि ये नंबर कैसा है इरेशनल है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया √5 को रैशनल नंबर मानते हैं हम, और हमें पता है यदि कोई नंबर रैशनल होता है तो उसकी फॉर्म क्या होती है p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। चलो ये q इज नॉट इक्वल टू 0 जो आपके पास रैशनल नंबर है वो किस फॉर्म में होता है, ये p/q की फॉर्म में, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है वेयर p एंड q आर को प्राइम। व्हाट डू मीन बाय को प्राइम? को प्राइम का मीनिंग है दोनों में p और q में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे 2/3। ओके, लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इधर 1 है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। क्या किया आपने क्रॉस मल्टीप्लाइंग, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करते हैं लेफ्ट में √5q और रिजल्ट इधर आएगा आपके पास p और इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। बेटा स्टेप से करेंगे ध्यान रखना आपको। अब क्या किया आपने स्केयरिंग बोथ साइड, रेशनलाइजिंग करने के बाद स्केयरिंग बोथ साइड, लेफ्ट साइड में स्केयर एंड राइट साइड में स्केयर। तो लेफ्ट साइड में स्केयर √5 का 5 आता है और क्यों का आएगा क्यू स्केयर एंड 5 क्यू स्केयर और इधर से आएगा आपके पास p स्केयर। अब आपके पास ये रिजल्ट है हेयर 5 डिवाइड्स p स्केयर देन इट डिवाइड्स p ऑल्सो, 5 p स्केयर को डिवाइड करता है, दोनों इक्वल है p स्केयर को डिवाइड करता है तब ये 5 p को भी डिवाइड करेगा। ऐसा कौन कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है जैसे कि 5 जो आपके पास है वो 10 स्केयर को डिवाइड करता है 100 आएगा, तो ये 5 किसको भी डिवाइड करेगा बोलो, 5 10 को भी डिवाइड करेगा। इसका मीनिंग यही है थ्योरम का कि 5 डिवाइड्स p स्केयर देन इट डिवाइड्स p ऑल्सो। यहां तक आपको एक प्रकार से ये अब स्टेप आपका इसके बाद वापिस रिपीट ही होगा। ओके, यदि इसको डिवाइड करता है तो आपको पता है कि p के अंदर एक 5 है, जैसे 10 में क्या था आपके पास 10 में 5 था तभी तो ये डिवाइड हुआ, तो इसी प्रकार से एक फैक्टर क्या है इसमें 5 है। तो हमने क्या किया p को सपोज कर लेते हैं, लेट p इज इक्वल टू 5 5 r, यानी p क्यों अब आपने इंटीजर क्या ले लिया r, वेयर r इज सम पॉजिटिव इंटीजर, भी r को इंटीजर है। ओके, अब आपके पास है देन पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, ये वैल्यू आपने सेकंड में पुट कर दिया, लेफ्ट साइड एज इट इज 5 q स्क्वायर, राइट में आएगा p की जगह 5 r होल स्क्वायर, तो 5 q स्क्वायर एज इट इज ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर 25 r स्क्वायर, 5 5 = 25, यानी q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5 r स्क्वायर। अगेन हम सेम सिचुएशन पे आ जाते हैं, हेयर 5 डिवाइड्स q स्क्वायर भी 5 डिवाइड्स q स्क्वायर अगेन 5 डिवाइड्स q स्क्वायर देन इट डिवाइड्स q ऑल्सो। इस थ्योरम से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। अब आपने क्या किया, अभी 5 ने जो डिवाइड किया है वो किसको किया है, p को भी किया है 5 ने डिवाइड, और 5 ने डिवाइड किया है किसको भी किया है q को भी डिवाइड, इट मींस 5 क्या हो गया दोनों में कॉमन हो गए, हेंस 5 इज कॉमन टू बोथ p एंड q, 5 दोनों में कॉमन है, बट p और q कैसे थे हमारे को प्राइम थे, इट मींस ये तो हमारा रिजल्ट गलत हो गया जो हम मान के चले थे जो सपोज किया था, बट 5 इज कॉमन टू बोथ p एंड q, बट p एंड q आर को प्राइम, लेकिन p और q कैसे इंटीजर थे आपके पास को प्राइम इंटीजर थे, हेंस इट इज कंट्राडिक्ट, मतलब कंट्राडिक्शन हो जाता है, विरोधाभास हो जाता है,
टू द फैक्ट, उस फैक्ट को लेके जो हमने स्टार्टिंग लिए थे दैट रूट फाइव इज रैशनल, स्टार्टिंग हमने रूट फाइव को रैशनल माना था ओके और हमारे पास सिर्फ एक ही चारा रह जाता है हैंस रूट फाइव इज इरेशनल, हैंस रूट फाइव इज इरेशनल, हैंस रूट फाइव इज इरेशनल। अब आपके पास ये पैटर्न था आपके पास तीन नंबर का सुनाने का या चार नंबर का सुनाने का। अब यदि आपको रूट टू को प्रूव करना है तो यहां पे रूट टू अप्लाई कर दो भी, नो प्रॉब्लम। क्या अप्लाई हो जाएगा, क्या अप्लाई हो जाएगा, टू अप्लाई हो जाएगा आपके पास ओके। टू यहां क्या आएगा, टू का स्क्वायर इधर आएगा टू, इधर क्या आएगा फोर, ये कैंसिल होगी क्या आएगा टू आएगा, यहां क्या आएगा भी टू आएगा, इधर क्या आएगा टू आएगा, फिर आपके पास ये कॉमन क्या आएगा फाइव की जगह टू आएगा और यहां रूट टू हो जाएगा। यदि आपका रूट थ्री का आता है तो हम क्या करेंगे, यार रूट थ्री कर देंगे, रूट थ्री राइट कर देंगे, नो प्रॉब्लम ओके ठीक है, थ्री राइट कर देंगे हम ओके। ये आपके पास क्या हो जाएगा यार, थ्री हो जाएगा, यहां आपके पास क्या आएगा थ्री आएगा, यहां आपके पास क्या आएगा रूट थ्री। तो ये रूट थ्री का भी यही है और रूट टू का भी है, रूट फाइव का भी है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये तो आपके पास थ्री फोर मार्क्स में क्वेश्चन था, यदि आपके पास ये क्वेश्चन टू मार्क्स में आता है तो फिर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ओके। चलो करते हैं, ये स्टूडेंट्स ये वो टाइप है जो आपके पास टू मार्क्स में भी आ सकती है, थ्री में भी आ सकती है और फोर में भी आ सकती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यदि ये टाइप आपकी टू मार्क्स में आती है तब आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ओके। स्टार्टिंग वही रहेगी सभी की, लेट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज रैशनल, रैशनल माना आपने, तब हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट करते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है एंड पी आर पी एंड क्यू आर को प्राइम, यानी दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है वन है। यदि ये टू मार्क्स का आता है तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चन आपका टू मार्क्स का है चाहे आपका फाइव मार्क्स का है या थ्री मार्क्स का है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ स्क्वायर रूट नंबर को रखना है। उसके लिए क्या करोगे, जो प्लस माइनस में टर्म है जो नंबर है उसको राइट में शिफ्ट करोगे, जो मल्टीप्लाई डिवाइड में है जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने प्लस माइनस को शिफ्ट किया नेगेटिव, इधर आपने एलसीएम लिया और ये वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास पी माइनस थ्री क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, और यहां क्या रहता है आपके पास टू। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, टू से डिवाइड टू जिधर की मल्टीप्लाई में जिधर क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में, यानी सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको सिर्फ स्क्वायर रूट नंबर को ही रखना है। उसके लिए आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे प्लस माइनस के टर्म को राइट में शिफ्ट करोगे, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड वाले टर्म को शिफ्ट करोगे। अब आपके पास ये क्वेश्चन, यदि ये क्वेश्चन आपका यहां टू मार्क्स का है, यदि ये क्वेश्चन क्या है इधर टू मार्क्स का, हमें पता है कि यदि किसी रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं एडिशन करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, तो यानी क्या है हैंस पी माइनस थ्री क्यू डिवाइड बाई टू क्यू इज रैशनल। ये कैसी वैल्यू है, रैशनल वैल्यू है। यदि टू मार्क्स में है तो आपको याद करना है दिस इज अगेन रैशनल बट रूट फाइव इज नॉट ए रैशनल, बट रूट फाइव इज नॉट ए रैशनल, बट रूट फाइव इज नॉट रैशनल, रूट फाइव इज इरेशनल, हेंस थ्री प्लस टू रूट फाइव इज ए इरेशनल नंबर। आगे समझ में, तो ये तो था आपके पास टू मार्क्स में, यदि थ्री और फोर में आता है तो अब आपको क्या सॉल्यूशन देना होगा रूट फाइव का, जो हमने स्टार्टिंग में सॉल्यूशन दिया था आपको, यदि ये थ्री और फोर मार्क्स में है तो रूट फाइव को आप अलग से प्रूव करके दिखाएंगे कि ये वैल्यू आपकी इरेशनल वैल्यू है ओके। यदि ये टू थ्री टू मार्क्स में आता है तो आपको वही रैशनल माना आपने, एलसीएम लिया, कंडीशन क्या है सिर्फ स्क्वायर रूट नंबर को लेफ्ट में रखना है बाकी सभी शिफ्ट। ये यदि टू मार्क्स में है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये रैशनल ही रहेगा, बट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट ए रैशनल, हेंस रूट फाइव इज इरेशनल और ये जो वैल्यू है आपकी क्या हो जाएगी इरेशनल हो जाएगी ठीक है। यदि आपके पास वन ओवर रूट फाइव को प्रूव करना है तो भी मेथड वही है ए बाई बी, यानी आप क्या बताया कि सिर्फ आप रूट की टर्म को ही रखना है, यह क्या हो जाएगा इधर आगे बी बाई ए इज इक्वल टू रूट फाइव, फिर आपको रूट फाइव का वही सेम प्रूफ देना है आपको।
ठीक है। यदि यहाँ पे थ्री है तो आपके लिए आप पास थ्री के लिए हो जाएगा, यदि आपके पास टू है तो आपके पास क्या हो जाएगा, टू के लिए क्वेश्चन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये पैटर्न था, ये आपका टू मार्क्स का पैटर्न था, ठीक है। फिर आपको थ्री और फोर में देना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो स्क्वायर रूट नंबर इंटीजर बचा है आपका, स्क्वायर रूट जो पॉजिटिव, उसको आप अलग से टोटल प्रूफ आपको देना होगा, जो आपका फोर मार्क्स का और थ्री मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, तभी आपके थ्री और फोर मार्क्स आएंगे। अदरवाइज यही राइट करने से आपके वही टू मार्क्स ही, एग्जामिनर आपको टू मार्क्स ही देगा। अब हम आते हैं अपने रियल नंबर की सिर्फ लास्ट टाइप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एनुअल एग्जाम में आता है ये टू और थ्री मार्क्स में, तो इसको तो आप बिल्कुल क्रैम कर लें एक टाइप से, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी लास्ट टाइप, जिसमें आप टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंस में हम, यस स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसका लास्ट टॉपिक रियल नंबर्स पे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मीनिंग, व्हाट डू मीन बाय टर्मिनेट, इट मीन्स यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। एंड व्हाट डू मीन बाय नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इट मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर को कंप्लीट डिवाइड नहीं करता है। ओके तो इसमें आप हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे टू बाई फाइव, तो हमने टू पे डिवाइड किया अभी फाइव से, फाइव डेसिमल जीरो फाइव फोर द ट्वेंटी, यानी ये टर्मिनेट हो गया है, ये पूरा पूरा डिवाइड किया है डिनोमिनेटर में। अब यहां लेते हैं वन बाई थ्री, अब यहां आपके पास थ्री जीरो पॉइंट एट जीरो थ्री थ्री जा नाइन, अगेन थ्री थ्री जा नाइन, ये चलता ही रहेगा। ये आपके पास एक्सपेंशन, यदि आप लेते हैं भी वन बाई टू, भी वन जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव जा टेन, यानी हमने ऑब्जर्व किया है यदि आपका जो रैशनल नंबर है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, वहां उस रैशनल नंबर में यदि आपके पास टू आता है डिनोमिनेटर में, या टू और फाइव आता है, तब एक्सपेंशन आपके पास कैसा आता है, टर्मिनेटिंग आता है। यदि हम कोई नंबर ऐड करें 7359 डिवाइड बाई एट, यानी ये आपके पास क्या आया है आपके पास डिनोमिनेटर में, यानी डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, ओनली टू की टर्म्स में फैक्टर आए हैं, या तभी तो एक्सपेंशन आपका कैसा रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा। दूसरी बात, यदि आपके पास 7359 डिवाइडेड बाई 5 या 125 है, अब 125 आपके हमारे पास क्या होता है 5 का क्यूब, ये किसकी टर्म में है, ओनली 5, केवल 5 के फैक्टर है इधर, ठीक है, तो ये भी आपके पास कैसा रहेगा, टर्मिनेटिंग, या दोनों ही है कि 7359 डिवाइडेड बाई 10। ओके तो 10 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या प्राइम फैक्टर 2 × 5, तब भी हमारे पास ये कैसा रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा। यानी क्या उधर क्या, नंबर वन, यदि डिनोमिनेटर के फैक्टर सिर्फ 5 की फॉर्म में बनते हैं तब भी एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, नंबर टू, जब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स आपके 2 की टर्म में बनते हैं तब भी आपके पास एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, नंबर थ्री, जब डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं 2 और 5 दोनों की फॉर्म में बनते हैं तब भी एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग। बट इनके अलावा यदि आपके पास डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में क्या आता है 3 7 आता है, ठीक है, मतलब 2 5 के अलावा कोई भी नंबर आता है तो आपका एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा। ये जो यही आपको इसमें बताना था, ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, ये जो आपका टॉपिक रियल नंबर्स पे है ये कंप्लीट हो चुका है। हाँ, नंबर वन मैं फिर से कह देता हूं, यदि आपको इस टॉपिक को दोबारा अंडरस्टैंड और अच्छे से करना है तो आप नंबर सिस्टम की फर्स्ट वीडियो पे जाएं, जो 6 से 12 क्लास के बच्चों के लिए है, वहां इन नंबर्स को, रियल और इरेशनल को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, वहां से बहुत अच्छे से आप नंबर्स के बारे में समझ सकते हो। वैसे यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वहां डीपली नंबर्स के बारे में, सभी के बारे में बताया गया, को प्राइम कंपोजिट इवन और परफेक्ट नंबर सभी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो चलो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और जो न्यू विजिटर है ध्यान रखें बेटा, खुद ऑब्जर्व करोगे कि सर ये तो एग्जैक्ट एज इट इज आप जिस बेस पे करवा रहे हो, जैसे आप करवा रहे हो ये तो एग्जैक्ट हमारे एनुअल में ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब मैं आपको जो मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी मैं आपको चैप्टर वाइज, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब मैं उस चैप्टर के नोट्स जो बच्चे एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, ठीक है, जो बच्चे 100 out of 100 लेना चाहते हैं, वो बच्चे उन नोट्स को भी प्रिपेयर करना जो मैं इस चैप्टर के बाद वो नोट्स डालूंगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।